इतनी बड़ी भी फाइल जो है तुम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। अभी मैंने कल जो है ना ये अवतार मूवी है वो मैं 3.6 GB का समथिंग था वो मैंने इसे ट्रांसफर किया है। भाई कितने भी बड़ा फाइल हो तुम इजीली इसे ट्रांसफर कर सकते हो। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ तुम्हारा फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में तुम जानने वाले हो हाउ टू ट्रांसफर फाइल मोबाइल टू पीसी। अगर तुम्हारे मोबाइल में कोई डेटा है, चाहे कोई वीडियो है, मूवी है, फोटो है, सॉन्ग है या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको तुमको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो तुमको गाइस ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक तरीका बताऊंगा जिसको इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा और तुम वायरलेस तरीके से जो है बहुत ही स्मूथली जो है अपने किसी भी बड़े से बड़े फाइल को जो है इजी में चुटकियों में तुम जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट अगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले गाइस तुमको अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर आ जाओ एंड यहां पर तुमको सर्च करना है इनशेयर। सिंपली से यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दो। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं इसका तुमको रेटिंग चेक करा देता हूँ। तो देख सकते हो नीचे थोड़ा आओगे तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे कितना कमाल का इसका रेटिंग है। ऐप काफ़ी अच्छा है, रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो इस ऐप को तुम इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो ये ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ओपन कर देना। अब ओपन करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोफाइल नेम, अपना कोई भी एक प्रोफाइल नेम सेट करो। जब भी तुम किसी से कुछ लोगे दोगे तो यही प्रोफाइल नेम तुमको वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है अपना एक प्रोफाइल नेम मैं रख लेता हूँ माय फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने माय फ्रेंड लिख दिया है एंड नीचे मैंने सेव कर दिया है। अब देखो गाइस यहाँ पे इस ऐप का इंटरफेस दिख रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं तुमको वीडियो चेक करा देता हूँ जिस वीडियो को हम सेंड करने वाले हैं, क्योंकि तुम एक बार देख लो फोन में भी एंड उसको फिर मैं एक बार कंप्यूटर पर भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने गैलरी पर आता हूँ एंड यहाँ पे और जो वीडियो है देखो ये वीडियो गाइस ये जो है ना ये एक फनी वीडियो है क्योंकि मुझे एक दोस्त ने मुझे भेजा था तो मेरा डाउनलोड हो गया तो इसी वीडियो को अभी हम ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक फनी वीडियो है। तो अब देखो गाइस यहाँ पे जो है हमने वीडियो को देख लिया, अब वापस से उस ऐप पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन तुमको दिख रहा है कनेक्ट टू पीसी। जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आ गया जहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया जहाँ पे लिखा है शेयरिंग फाइल्स थ्रू वेब ब्राउजर। मतलब तुम जो अपने वेब ब्राउजर के थ्रू जो है फाइल को शेयर करोगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। ठीक है, जिसके लिए तुमको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तुमको दूसरे डिवाइस में जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप में जहां ट्रांसफर करोगे वहां पे इस ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है ये ऐप जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जैसे कि यहां पे एप्पल वाले डिवाइस को सपोर्ट करेगा, जियो वाले डिवाइस को सपोर्ट करेगा, उसके कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा एंड यहां पे एंड्रॉयड फोन्स एंड टैबलेट्स को भी ये सपोर्ट करेगा। तो इतने सारे डिवाइस में यह सपोर्ट करेगा। तो सिंपली से उसके बाद यहां पे स्टार्ट कर दो। अब देख सकते हो गाइस यहां पे तुमको दो चीजें दिख रहा है, पहला हॉटस्पॉट जो कि फास्टर मेथड है और दूसरा वाईफाई मोड जो कि कन्वीनियंट मेथड है। तो हम यहाँ पे हॉटस्पॉट मेथड यूज़ करेंगे जो कि फास्टर है। तो सिंपली से यहाँ पे इसको क्लिक कर दो। अब यहाँ पे तुमसे एक परमिशन मांगेगा अलाउ एक्सेस टू मैनेज, तो जैसे इसको तुम इनेबल कर देना सिंपली से। ठीक है, उसके बाद अब तुमसे वापस से दो परमिशन मांगेगा। अब देखो यहाँ पे पहला परमिशन है अलाउ लोकेशन परमिशन, तो बेसिकली अगर तुम्हारा एंड्रॉयड वर्जन 6 या 6 से ऊपर है तो यहाँ पे जो है हॉटस्पॉट के लिए जो है ये परमिशन मांगा जाता है, तो यहाँ पे तुम इसको अलाउ कर देना। एंड दूसरा जो है ओपन लोकेशन सर्विस, तो सिंपली से जो है इसको भी तुम यहाँ पे इनेबल कर देना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम यहाँ पे करोगे तो अब देखो गाइज यहाँ पे तुमको स्टेप वन दिख रहा है जहाँ पे तुमको एक हॉटस्पॉट का नाम दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा है पासवर्ड जहाँ पे तुमको एक पासवर्ड दिख रहा है, तो इसको तुम कहीं पे लिख के रख लो क्योंकि ये तुमको आगे काम आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ डिस्प्ले पे ही लिख लेता हूँ, मुझे ईजी रहेगा, है ना। तो चलो अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है, अब हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे चलते हैं। अब हमारा काम कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने नेटवर्क पे क्लिक किया है तो उसके बाद वाईफाई को ऑन कर लो क्योंकि वाईफाई नेटवर्क को मुझे सर्च करना पड़ेगा जो वहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, तो वाईफाई देखो मैंने सर्च किया है तो वही वाईफाई नेम यहाँ पे दिख रहा है एंड्रॉयड शेयर अंडरस्कोर 3871। सिंपली से इस पर क्लिक करो, उसके बाद जो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करो एंड वही पासवर्ड तुमको यहाँ पे डालना है जो वहाँ पे पासवर्ड दिख रहा था। ठीक है,
देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड तो मुझे दिख रहा है YDVZ7SU7G4JN7EC। देखो यहाँ पे मैंने पासवर्ड पूरा डाल दिया है एंड जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो सक्सेसफुली ये जो है कनेक्ट हो गया है, है ना। ये नेटवर्क से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। अब मुझे करना क्या है गाइज, वापस से उस ऐप पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप टू दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको जो है एक URL दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो सेम यही URL तुमको जो है लिखना होगा अपने वहां पे ब्राउजर में, ठीक है। तो URL तुम लिखना होगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली से इस URL को कहीं पे लिख लो। तो मैं काम करता हूँ डिस्प्ले पे ही लिख लेता हूँ इसको, मुझे इजी रहेगा, तुम कहीं पे इसको चाहो तो लिख लेना। उसके बाद हम कंप्यूटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे ऊपर में जो तुमको URL का जो टैब दिखता है ऊपर में, वहां पे तुमको उस URL को यहाँ पे टाइप करना है जो वहां पे तुमने देखा था स्टेप टू में, 192.168.99.163:8853। और यहाँ पे इंटर कर दिया है और देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है और यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है। और मोबाइल पे भी जैसे कनेक्ट हुआ है तो देख सकते हो कि वहां पे ऑटोमेटिक जो है सेंड करने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर में इंटरफेस में यहाँ पे तीन चीजें तुमको दिख रहा है, एक है सेंड फाइल। अब तो ये कनेक्टेड हो गया है तो तुम यहां से भी मोबाइल में कुछ सेंड कर सकते हो, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर फाइल सेलेक्ट करके। दूसरा है यहाँ पे सेंड फाइल, अगर कुछ सेंड करोगे तो सेंड वाले सेक्शन में दिखेगा, अगर तुम किसी से रिसीव करोगे यानी फोन से यहां पे लोगे कुछ तो रिसीव वाले सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। अब हम वापस अपने मोबाइल पे आते हैं, ठीक है। देखो मोबाइल पे यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक जो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, अब जो यहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद तुमको कौन सा फाइल भेजना है, ऊपर में अलग अलग सेक्शन दिख रहा है, तो वीडियो वाले सेक्शन में अंदर आ जाओ क्योंकि मुझे वीडियो सेंड करना है। एंड यहाँ से जो भी वीडियो है उसको फाइंड कर लो। देखो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे सेंड किया है एंड उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है गाइस। तो देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये जो है ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है गाइस, ठीक है। अब तुम कंप्यूटर पे देखोगे तो कंप्यूटर पे भी वो जो है रिसीव वाले सेक्शन के अंदर वो रिसीव होना स्टार्ट हो गया है और तुरंत डाउनलोड भी हो गया क्योंकि ये छोटा फाइल था। अगर ये बड़ा फाइल होता तो थोड़ा टाइम लगता बट फटाफट से डाउनलोड हो जाता है, बहुत स्पीड डाउनलोड होता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे रिसीव होगा तो वापस ये डाउनलोड होगा, देख सकते हो नीचे ये डाउनलोड हुआ है। और डाउनलोड होने के बाद अब ये तुमको कहाँ पे दिखाई देगा, तो अब ये तुमको दिखाई देगा तुम्हारे डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। तो चलते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। तो देखो मैं माई दिस पीसी के अंदर आया एंड यहाँ पे माई डाउनलोड के अंदर आ गया एंड डाउनलोड के अंदर देख सकते हो कि यही वो वीडियो है जहाँ पे मैंने वो तुमको दिखाया था। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने गाइस यहाँ पे प्ले किया वीडियो और वही वीडियो यहाँ पे प्ले हुआ है जो मैंने अपने फ़ोन में तुमको दिखाया था। तो देखा कितनी आसानी से जो है मैंने अपने फ़ोन के वीडियो को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी तरीके से जो है तुम भी कितनी बड़ी भी फाइल जो है तुम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी मैंने कल जो है ना ये अवतार मूवी है वो मैं 3.6 GB का समथिंग था वो मैंने इसे ट्रांसफर किया है। भाई कितने भी बड़ा फाइल हो तुम इजीली इसे ट्रांसफर कर सकते हो, बस एक बार कनेक्ट कर लो। इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो है तुम धनाधन 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 भाई मतलब सेंड करते रहो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो तुम्हारे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और गाइस सिर्फ तुम्हारे लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी तुम्हें जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।